हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जब भी नवजात शिशु को देखते हैं तब आपने गौर किया होगा कि उसकी पेट पे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम अम्बिलिकल स्टंप कहते हैं। आखिर वो होता क्या है? बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो माँ के पेट में प्लेसेंटा से बच्चे में अटैचमेंट का काम करता है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे को माँ के पेट में सभी तरह की न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई का मेन काम अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। आप सोच रहे होंगे कि जन्म के बाद क्या होता है? जब भी बच्चा जन्म लेता है तो जब माँ के पेट से वो अलग होता है तो इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को बच्चे के पेट की तरफ से काट दिया जाता है और जो हिस्सा बचता है उसे ही हम अम्बिलिकल स्टंप कहते हैं। अब पैदा होने के बाद इस स्टंप की किस तरह केयर करनी चाहिए वो हम आगे जानेंगे। अम्बिलिकल स्टंप पर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल कंपाउंड या तेल ऑयल कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इसे बिल्कुल ड्राई रहने देना चाहिए। यह अपने आप 5 से 7 दिन में गिरकर अलग हो जाता है। आप डायपर पहनाते समय ये ध्यान रखें कि डायपर के ऊपरी हिस्से से उसे फोल्ड कर दें ताकि यह वाला हिस्सा, स्टंप का हिस्सा, डायपर के अंदर ना रहे, वरना इस पे सूसू या पॉटी लगने से इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपको अम्बिलिकल स्टंप के चारों तरफ किसी भी तरह की रेडनेस या डिस्चार्ज, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। थैंक यू।